Today, I am going to share with you all a wonderful meeting with our JNV seniors. One senior is from JNV Motihari, and now he is assistant professor of Department of Foreign Language, Banaras Hindu University. His name is Master Upendra Kumar. And another senior whose name is Master Sandeep Kumar, who is from JNV Vaishali, and now he is providing teaching services to UPSC aspirant in Sandeep IAS Academy, New Delhi. And it is our fortune to have a wonderful session for our career guidance in Banaras Hindu University. और अपना थोड़ा दिमाग थोड़ा ब्रॉड रखो कि किसी के लिए ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें, इसको सपोर्ट नहीं करते. टीना डब्ल्यू वॉज क्लास 11 में स्टार्टेड टू थिंक टू दिस एंड आई सी वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम LSR, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली श्री राम कॉलेज. और इसी वजह से वो 21 साल में लड़की टॉप, तो उसने मैनेज किया होगा ना. ये मन का भ्रम है कि 24 घंटे हम ग्रेजुएशन में उलझे हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन. आपके अंदर डिप्रेशन आ गया, आपके अंदर एंग्जाइटी आ गई, मतलब कि आपकी रूटीन से आप मतलब रूटीन को आप फॉलो अप नहीं देते. दिस इज वेरी मच क्योंकि आप इसीलिए मैं हर सेमिनार में कहता हूँ, मॉर्निंग में उठ के आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है. या वही बता रहे हैं वैसे, मॉर्निंग में आप डिसाइड करो कि इन दिस 12 आवर्स ऑफ 15 आवर्स, बिकॉज यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 6 or 7 भी मान लेते हैं, एंड यू आर गोइंग टू बेड एट 10, स्टिल यू आर हैविंग 15 आवर्स, राइट? सो जस्ट राइट, मेक अ ब्लू प्रिंट दैट वॉट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ड्यूरिंग दिस 15 आवर्स, एंड बिलीव मी, यू वॉन्ट राइट एनीथिंग इन दिस ऑन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर. पढ़ने में कुछ अभी पढ़ने की दिक्कत खत्म हो जाएगी अगर रेगुलर करना शुरू करेंगे, बट सिलेबस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लंबी है और सिलेबस को पढ़ना भी पढ़ लिया, एक टाइम वन टाइम लर्न किया, बट उसको एक मेमोरी में फिट करना, किसी में टिप्स पे अपने रखना कि ताकि आप आंसर राइटिंग करते समय वो सारी चीज़ें आपकी आ जाए. और उसके बाद सब चीज़ों को इंटरिंग सब चीज़ों में बहुत मुश्किलें आती हैं और खास करके याद करने में बहुत दिक्कत होती है. रिवीजन का तो एक बार पढ़ लो तो फिर अपना माइंड ऐसे देता है कि पढ़ाई कुछ ना पढ़ाई देखा छोड़ देते हैं. फिर जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दो या कुछ भी करो तो फिर पता चलता है नहीं, एग्जैक्टली चीज़ें आपको याद नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के भी टेस्ट उठा के देखे जाएँ तो फैक्ट दे देता है और ऑप्शन में देता है ओनली 1, 1, 2 या बोथ, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि कौन से पैसा लगता है कि नहीं ये तो सारे होंगे या फिर एक भी नहीं होगा, तो वो क्लियरिटी वो कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें आप दोनों में से जो बताना पसंद करें. कैसे याद करें, जब याद करने जो चीज़ आप याद करेंगे वो तो ऑटोमेटिक याद होते हैं, क्योंकि याद करेंगे तो आप लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट जो है उसके दिमाग में भरने की कोशिश करेंगे. चल ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट याद नहीं करते, कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए. संदीप ने कहा कि जबकि आपके जो भी कंसेप्ट हैं एकदम क्लियर होने चाहिए. दूसरी बात, जब कंसेप्ट क्लियर है तो दूसरा पॉइंट आता है कि आपका भाषा तो कितना कमजोर है, आपका लैंग्वेज कितना स्ट्रॉन्ग है. अगर लैंग्वेज नहीं होगा तो आप कितना भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, आपके दिमाग में कितने भी कंसेप्ट क्यों ना घूम रहे हो, आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं.